मैं पैदा यहाँ कराची। और कितने बहन भाई हो? कोई भी नहीं। You're the only I am from my mother. Oh, sorry. अच्छा। अम्मा में से एक हूँ। हाँ। और अब्बा ने फिर दूसरी शादी? पहली शादी में से। अच्छा, पहले उन्होंने की थी, फिर आपकी? दो बहन भाई है। अच्छा। एक भाई है और एक बहन है। अच्छा। और फिर मैं अपनी अम्मा में से। अच्छा। बट मैं नहीं कहती हूँ मैं सौतेले हैं, देयर माय तो मैं ब्लड। हाँ। तो वो है। अच्छा। हाँ जी, हम तीन है। तो आप तीन है? तीन है लेकिन मिलते नहीं है। बहन कनाडा में है, भाई अबू धाबी में है, मैं कराची में। हाँ। और जब मिलते हो तो? कभी ऐसे इत्तेफाक नहीं हुआ आज तक कि सब तीनों इकट्ठे हो एक जगह। एक दिन हुआ था शायद, 5 मिनट के लिए। हद है वैसे। हाँ। अब अगर मैं सोचूं तो बहन और मैं बहुत मिले, भाई बहन और मैं साथ नहीं मिले, इकट्ठे कभी नहीं हुए। कभी नहीं। और बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं जब आई थिंक इन माय अर्ली 20s, मैं इंडस पे, बल्कि मुझे याद है, दिस इज इंडस में जब मैं थी, मैंने अपना पहला शो किया था, उस वक्त मुझे याद है मेरी बहन ने कांटेक्ट किया था 2004 में और मुझे कहा था कि तुम मेरी बहन हो और हम मिलना चाहते हैं। तो मैं उस वक्त मिली थी अपनी बहन से। बड़े उससे पहले मालूम भी नहीं था कि नहीं, आई वाज 16-17 जब मैं, एक बहन और भाई, ये तो पता था लेकिन ये नहीं कि मिली नहीं थी। अच्छा। okay. फिर हमारी मुलाकात हुई थी। तो क्या क्या फील हुआ था? अजीब सा फील हुआ था, है ना? बहन क्या होती है, भाई का रिश्ता क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं था बड़े होने का। लेकिन जब वो मिले तो मैंने कहा अच्छा, ये भी आज तक मैं वो हजम नहीं कर पाती हूँ चीज, क्योंकि मुझे नहीं पता असली बहन भाई का फीलिंग क्या होती है। हाँ, क्योंकि अकेली पली हो। बिल्कुल। और या लड़ना चाहिए या नहीं, इज्जत हाँ। करूँ, तमीज से बात करूँ, माइंड ना कर जाए। मेरा नहीं ख्याल जिसके अपने बहन भाई होते हैं वो किस भी चीज का ख्याल करता है। बिकॉज़ आपने इकट्ठे बचपन गुजारा। बिल्कुल। तो आप बदतमीज भी हो जाते हैं। बिल्कुल। पर यहाँ मुझे समझ नहीं आती, तो मैं हर चीज में बड़े अदब अदाब से बात करती हूँ। ये शो देखेंगे लेकिन अब जाके होता है कि कभी कोई बदतमीजी कर लेते हैं, अच्छा यार बस करें, नहीं यार बात कर लेंगे बाद में। मेरा भी तो हक बनता है, छोटी बहन हूँ, बड़ी बहन से थोड़ा बहुत लाड कर लूँ। हाँ। तो वो अब सीख रही हूँ मैं चीज़ें ज़्यादा। तो कैसे थे आप बचपन में? मैं हाँ शरारती या खामोश? नहीं नहीं नहीं, अकेले नहीं। बच्चे जो होते हैं वो या आइदर बहुत शरारती होते हैं या बिल्कुल चुप होते हैं। मैं बहुत खामोश थी। मेरा अपना एक बारबी हाउस होता था और अपने दो बर्तन होते थे और शीशा होता था और मैं होती थी। और मेरे ख्याल में आज तक मेरी वो याद है शीशे से बात, बहुत अकेली। अच्छा, क्या बातें होती थी शीशे से? पता नहीं, पागलों वाली अपने आप से ही बातें होती। वो कोई कैरेक्टर होता था शीशे में? अभी भी है। अच्छा, वो कैरेक्टर अभी भी है? अभी भी है, मैं खुद से शीशे में बात करती हूँ। मेरा एक दोस्त है वो जो मैं ही हूँ, और मैं बहुत, मेरे ख्याल में अब मैंने जाके आपको मैं बताऊँ, आदत चेंज की है कि मैं बाहर निकल, 3-4-5 साल से कि मैं बाहर निकल, मैंने मुझे बहुत मजा आता है अपने साथ अकेले कमरे में बंद होना, तो इसे साइकोटिक हरकत है। अच्छा, मुझे लगता है। हाँ। दुनिया में निकलना चाहिए। जब बच्चे बच्चों के साथ बच्चे नहीं है तो तनहाई पसंद तो हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या करती थी? कुछ लिखती रहती थी, पेंट करती थी? पेंटिंग का बहुत शौक था। हाँ। और अभी तक करती हूँ। किताबें पढ़ते? किताबों का इतना शौक नहीं रहा, मिल्स एंड बोन्स और रीडर्स डाइजेस्ट का आज तक है, अब मैंने आदत डाली है, वो अमेरिकन और एशियन लेती हूँ और वो मेरी हर महीने की आदत। अच्छा, रीडर्स डाइजेस्ट जरूर पढ़ती हूँ, बाकी कोई किताब मेरा नहीं ख्याल इतनी पढ़ी। अच्छा, a commercial pilot I wanted to become and my grandmother said no, ek hi hai ye nahi karegi, jahaz nahi banayegi, because one of my khalas she died plane crash mein. Aur jama kya karti, gudiya ya kuch aur? Jama gudiya ki hai lekin bachpan se abba ne guns aur talwaron ka aur daggers ka aur knuckle dusters ka aur hathiyaron ka itna shauk dal diya aur gaadiyon ka ki wo ek बैलेंस मेरा, क्योंकि मैं गुड़ियों से खेलते खेलते एकदम से गन्स खेलने लग गई, तो वो एक बैलेंस थोड़ा सा आउट हो गया। तो क्या किया? मोटरबाइक चलाई? मोटरबाइक, हॉर्स राइडिंग, ट्रक, ट्रैक्टर, जीप्स, सब कुछ चला लिया। 12 बोर की गन, 9 mm, क्लाशनकोफ, ये वो सब चला लिया। तलवारें हर किस्म की, चाकू हर किस्म के। अब्बा ने मुझे एक कमांडो बना दिया। अम्मा ने कहा इसको रहने दो, थोड़ी सेंसिटिव है, इसके अंदर एक लड़की की रूह भी रहने दो। माय फादर इज एन एक्स आर्मी ऑफिसर। अच्छा। तो वो जो मेरा पहले बहन भाई उस तरह दूर थे, तो उन्होंने कहा इसी में मैं वो भी ढूंढूंगा, वो भी ढूंढूंगा, क्योंकि पहली अम्मा चली गई थी जब अब्बा ने दूसरी शादी की। अच्छा। और अम्मा को भी नहीं पता था कि अब्बा की पहली शादी है, तो वो ज़रा क्लैश हो गया था, तो इसलिए मैं अकेली पड़ी बड़ी। तो वो मुझ पर ही सब कुछ ढूंढते थे, तो मुझे ही सब कुछ बना दिया। आज मैं शुक्र अदा करती हूँ कि हाँ चलें ठीक है, कोई नहीं, सब कुछ आ गया। अब कोई इस तरह का प्रोजेक्ट होता है, मैं कहती हूँ हाँ जी मुझे हैवी बाइक भी चलानी आती है, हाँ जी मुझे घोड़ा भी चलाना आता है, हाँ जी मैं स्विमिंग भी कर सकती हूँ, तो वो सब कुछ सीख लिया मैंने। एक्शन की कोई, एक्शन वाला कोई फिल्म नहीं की?
अभी करने लगी हूँ मैं फरवरी में. अभी ऑफ कैमरा मुझसे कीटू का पूछ रहे थे तो वो मैं इसलिए करी हूँ बिकॉज़ अभी जरा अभी तो ये डॉलर शॉल है ये जरा ट्रिम डाउन करना है मुझे तो ट्रिम क्यों मसल मसल बनाना है मसल बनाने यस ओके तो कैट वुमन टाइप लेदर सूट वाला रियली यस आई एम रियली एक्साइटेड एंड इट्स नॉट इवन देयर नॉट इवन शूटिंग मैं बता नहीं सकती थोड़े दिन में पता चल जाएगा बट देयर शूटिंग समवेयर अब्रॉड तो वो है भी बर्फों में विद स्कीज एंड हैवी गन्स और उस सब के साथ तो मैं चाह रही हूँ जरा मुझ में एनर्जी आए वरना क्या होगा मेरा. हाँ एनर्जी चाहिए होगी. कुछ महीने ही नहीं रह गए ढाई महीने रह गए. तो एक्सरसाइज करके तैयार कर रही हो. एमएमए तो मैं करती हूँ मार्शल आर्ट्स. हाँ वो पूछने लगी थी बॉक्सिंग और योगा तो मैं नहीं छोड़ सकती. अच्छा पर अब थोड़ी विगरस हो जाएगा ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बिकॉज मसल नजर आना है सिनेमा है तो उसके लिए जरा मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करनी है तो फैट बहुत चाहिए मुझे अपनी बॉडी में. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग कीटो. तो जो फैट है वो पूरी बॉडी में रहेगा. बर्न 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 करोगे बर्न करेंगे तो वो एक स्लीक लुक आएगा. अच्छा दे डिजाइंड इट फॉर मी दैट वे एब्स रैब्स बनेंगे. बिकॉज़ यू आर गोना वेयर दैट कॉस्ट्यूम. यस एंड समटाइम्स जस्ट एन अपर द स्पोर्ट्स थिंग तो उसमें तो वो गन के साथ वो सराहना चाहिए. आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज़ पाकिस्तान में अब ऑब्वियसली और कौन कौन है साथ अभी कास्टिंग हो अच्छा, रही है अभी नहीं बता मैं बता नहीं सकती मैं आपको डायरेक्टर भी नहीं बता सकती नहीं बता सकती. अगर ये एक हफ्ते बाद होता तो मैं जरूर बता सकती. ओके दिस इज एक्साइटिंग दिस इज वेरी एक्साइटिंग आई एम सो एक्साइटेड. हमारी पहली एक्शन फिल्म एक्शन पैक्ड फिल्म है ना. नॉट के एक लव स्टोरी में एक्शन आ गया बट एक्शन पैक्ड फिल्म कंप्लीट एक्शन पैक्ड फिल्म एंड अ वेरी नाइस कास्ट. यू विल बी रियली हैप्पी टू नो इंशाल्लाह. ओके यस यस सो यू आर सॉर्ट ऑफ मुझे शुरू से था. मैं आपको बताऊं कि इस तरह मैंने आज से 3-4 साल बल्कि 10 साल पहले भी हैवी वेट लिफ्टिंग करना सब शुरू किया था तो मसल शसल थे फिर बीच में एक्सीडेंट्स हो गए तो रह गया था. तो अब जरा एक्साइटमेंट है मुझे कि जरा मसल बनेगा. तो आप तो एक्टिंग करने तो नहीं आए थे. कहाँ पे? टेलीविजन पे. आप तो विजय थे. आई वॉज यस इंडिस के साथ. लेकिन आपको पता है मैंने 4 साल की उम्र में पहले ड्रामा किया था पीटीवी जहीर अंकल के साथ. फिर उसके बाद कासिम जलाली अंकल के साथ. फिर समेजो अंकल के साथ मेरा पहला सीरियल था जिस जो अब्दुल्ला भाई का पहला सीरियल था अब्दुल्ला कादवानी का. और मैं सबसे छोटी बहन थी बस मैं टेबल बैठ के खाना खाती रहती थी. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बिकॉज माय मम यूज्ड टू एक्ट. रेडियो किया माने पीटीवी किया. अच्छा जब भी अब्बा की पोस्टिंग होती थी. क्या नाम है आपकी मामा? शकीला इनायत. लेकिन अच्छा. मैं आपको दिखा ऑन एंड ऑफ किया. अच्छा कभी किया मेरी तरह वो क्रेजी. अच्छा. नहीं हुई कभी भी. अच्छा और इस तरह मैंने शुरू किया अम्मा की वजह से. अच्छा और कभी रोक टोक भी नहीं हुई घर से. हाँ बिकॉज वो खुद एक्टर थी और सारे क्योंकि हमारा घर पीटीवी के पास था. अच्छा कराची पीटीवी के एरिया में. तो मेरे अब्बा की जब भी ऐसे कोई पीरियड प्ले होता था या कुछ तो फोन आ जाता किसी भी डायरेक्टर का कि आपकी गन चाहिए वो. तो वो हमारे घर से जाती थी तलवारें गने जीपे भर के और सारे प्रोड्यूसर्स अब्बा के साथ बैठे होते. तो बेसिकली शोबिज़ लाइक माय फैमिली जहाँ अम्मा अब्बा अंकल आंटियाँ सारे घर आना जाना. तो इससे आई फील रियली कम्फर्टेबल अभी तक. घर है ना घर. हाँ अपने लोग हैं अपना घर है. सो जब पले बड़े हो इसी काम में तो कम्फर्टेबल हो जाते. एक कम वो आ जाता है एक लेना.